डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। धनबाद जिले के झरिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से पूर्णिमा नीरज सिंह और भाजपा से रागनीत सिंह के बीच मुकाबला है। झरिया कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह जनसंपर्क तेज कर दी है। झरिया के चांदमारी क्षेत्र में जनसंपर्क की और लोगों को सरकार की जन कल्याण योजनाओं को बताते हुए वोट देने की अपील की। वहीं पूर्णिमा सिंह की सास नीरज सिंह हत्या इसलिए करवाया गया क्योंकि वह जनता की सेवा कर रहे थे। उनकी बहू जनता की सेवा कर रही है, डर है कि कहीं बहू की भी हत्या न करा दी जाए। वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि 5 सालों में झरिया में विकास करने का काम किए हैं। मैया योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिल रही है, जबकि गोगो योजना कहीं भी नहीं है, लेकिन इसे लेकर महिलाओं का नाम पता आधार कार्ड लिया गया। अगर यह चीजें गलत हाथों में चली जाए तो साइबर फ्रॉड हो सकता है, जो लोगों को बरगला रही है। '19 में आए थे तो बहुत सारे वायदे किए थे हमने, वायदे तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमने पूरा किया है। उन वायदों को, उन कामों को वापस जनता के बीच में लेकर जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, विशेष करके हमारी माताओं से, और वो आशीर्वाद मिलेगा, पूरे रही जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हमने पूरे कर लिए। मुझे लगता है एक विधानसभा है जहाँ पर मैनिफेस्टो में दिए गए बातों में से 80% बातें पूरी हो गई हैं। लॉलीपॉप तो गोगो दीदी योजना थी, जिसका ना फॉर्म पता है, ना अकाउंट नंबर पता है, कुछ भी पता नहीं है, और भर रहे थे। उनके ऊपर तो आचार संहिता का केस होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया, और माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया कि आप सबका फॉर्म नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर ले रहे हैं, और आप इससे साइबर फ्रॉड करवाएंगे। कल वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? बीजेपी ऑफिस से वो इन्फॉर्मेशन किसी साइबर फ्रॉड के पास चली जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये तो उनको सोचना चाहिए। हमने तो फॉर्म को जो है कार्यालय में जमा करवाया, कार्यालय से वो डीसी ऑफिस जाता है, डीसी ऑफिस से वहाँ पे ऑनलाइन चढ़ता है, और उसके बाद लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। ये लॉलीपॉप कैसे हो सकता है? 4th महीने का पैसा आने जा रहा है और आप कह रहे हैं लॉलीपॉप है? ये 4th महीने का पैसा आने जा रहा है और दिसंबर में 2,500 रुपए आएंगे। ये मिला बेटा, जनता के आशीर्वाद से मिला है, जनता हम लोग के साथ है। बस नीरज की हत्या इसी के कारण हुआ कि नीरज आगे बढ़ रहे थे, इसको जड़ काट दे, फेंक दे। अब फिर मेरा जो 4 बच्चा है सब पर नजर फिर वही हो गया कि सब इनके बेटा के मार के काट दे। तो जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये बुरी बात हुआ कहूँ नहीं जाएगा, आज पड़े कल पड़े पड़ेगा, आराम का नाम से पड़ेगा, हमारा का नाम से नहीं पड़ेगा। हम जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ। ये आप लोग का गलतफहमी है कि नहीं है? गलतफहमी है, दोबारा है। नीरज की जनता की सेवा करेगी, उसके पास क्या है?